नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम गोस्वामी और आप सभी देख रहे हैं बिहार स्टेट टेक्सटबुक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 16 से बात करेंगे। 15 तक मैंने आपको बता दिया, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देखिएगा। तो देखिये, हमारे जो प्रश्न संख्या 16 है इसमें क्या लिखा हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी निकालना है, एपी ज्ञात करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 16 का हल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है उसका हम प्रथम पद और सार्वंतर मान लेते हैं। प्रथम पद सामान्य रूप से ए होता है और सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो ये चीज हम बस मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ये हमने क्या किया, मान लिया, क्या माना कि जो हमारा समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर कितना है, डी। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ए थ्री बराबर कितना दे रखा है, तीसरा पद हमें कितना है 16 दिया हुआ है, तो ए थ्री बराबर कितना हो जाएगा 16। हम लोग जानते हैं ए थ्री का मतलब क्या होता है, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी बराबर 16। यहां से लिखेंगे ए प्लस 3 माइनस वन 2 और 2 को डी से मल्टीप्लाई किए तो 2d बराबर कितना होगा 16, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे तथा। अब एक बात बताइए प्रश्न में और हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो समांतर श्रेणी का सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। समांतर श्रेणी का सातवां पद मतलब A7 वो पांचवें पद से मतलब A5 से 12 अधिक है, इससे अधिक है, किससे, हमारा A5 से 12 अधिक है, कौन, A7। तो हम यहाँ पे प्लस 12 करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो AP का सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो हमें कितना पद मिल जाएगा, उस AP का सातवां पद मिल जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग हल करेंगे, A7 हम लोग जानते हैं A7 का मतलब क्या होता है, A+6D बराबर A5 का मतलब होता है हमारा A+4D+12। ए और यहाँ पे जितना भी डी है उन सबको बाई तरफ हम लोग कर देंगे ताकि एक समीकरण बन जाए। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, A+6D, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का ए, प्लस का 4D बाई तरफ आया तो माइनस का 4D बराबर कितना हो गया 12। यहां से प्लस का ए माइनस का ए कट गया, 6D में से 4D हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2D बराबर कितना हो गया 12। तो यहां से हम डी का मान निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या होगा 12, ये गुना में है 2 तो इधर भागा में चल गया, भागा से कितना बार कटा 6 बार, तो इसका मतलब D का मान हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। अब D का मान 6 मिल गया तो हमें A का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब ना हम D और A की मान की मदद से किसी भी AP को ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे तो समांतर श्रेणी ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि डी निकाले समीकरण को हल करके और डी का मान प्रयोग करके किसी भी समीकरण में रख के ए का मान ज्ञात कर ले, और फिर ए और डी का मान जैसे हमें ज्ञात हो गया तो हम समांतर श्रेणी उसका लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डी बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, A+2D। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, 2D का मतलब क्या होता है, 2 × D, तो 2 × और डी की जगह हम लोग कितना उतारेंगे 6, तो 2 × 6 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 16। यहां से हम लोग लिखेंगे A+2×6 = 12 बराबर कितना है 16, और ए का मान कितना आएगा, प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का 12, इसका मतलब 16 − 12 और 16 − 12 कितना होगा हमारा 4। यहां से हमें ए और डी का मान ज्ञात हो गया और अब हमें क्या करना है, AP ज्ञात करना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए AP में क्या होता है, पहला पद A1 होता है, A1 जिसको हम लोग कहते हैं A, और A का मान कितना निकला है 4।
ठीक है। उसके बाद ए टू होता है, ए टू का मतलब क्या होता है, ए प्लस डी, ए का वैल्यू है 4 प्लस डी का मतलब वैल्यू कितना आया हमारा, डी का मान आया 6, तो 4 प्लस 6 कितना हुआ 10। फिर ए थ्री होता है, और ए थ्री बराबर क्या होता है, ए प्लस 2d, ए की जगह 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया ये हमारा 16। ए फोर बराबर ए प्लस 3d बराबर ए की जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना मान रखेंगे हम, डी कितना है यहाँ पे, डी का मान 6 आया, तो यहाँ पे डी बराबर 6। इधर से हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 6 18, 4 कितना होता है यहाँ पे 22। तो देखिए ये A1, A2, A3 और A4 हमने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से इस समांतर श्रेणी के और भी कई पद होंगे, लेकिन सारे पद तो हमें ज्ञात करने नहीं, और हम सारे पद ज्ञात भी नहीं कर सकते, ये तो अनगिनत है ना, बढ़ते ही चले जाएंगे इस तरह से। तो बस 4 पद निकाल दिए, काफी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी A1 कितना है 4, A2 कितना है 10, A3 कितना है 16, A4 है हमारा 22, और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, डॉट डॉट लगा दिए, और ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का हल हो गया। यहीं तक हम लिखना चाहते हैं आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एपी 3, 8, 18 इसी तरह से 253 तक में अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 17 का हल। देखिए प्रश्न संख्या 17 में हमें एपी दिया हुआ है, और वो एपी क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13 और इस तरह से कहां से गया 253 तक, और प्रश्न क्या कह रहा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर रहा है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो हमारा समांतर श्रेणी है, इसमें अगर हम बात करें अंतिम पद की, जिसको हम लोग एल कहते हैं या फिर ए एन भी कहते हैं, ए एन और एल दोनों एक ही होता है, अगर हम ए एन कहते हैं तो इसका मतलब वो सामान्य पद हो गया, जो कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। लेकिन अगर हम बात करें अंतिम पद की, तो उसको हम एल कहते हैं, लास्ट टर्म, वहां से लास्ट टर्म से एल आया है, तो लास्ट का एल, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब भी वही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद की अगर हम बात करें, तो ये हमारा कितना है 253। ठीक, उसके बाद अगर हम सार्वंतर की बात करें, कॉमन डिफरेंस जिसको लिखते हैं डी, बराबर कितना होगा, ए टू माइनस ए वन, मतलब 8 में से 3 घटाए तो कितना आया हमारा 5। ठीक है, अब देखिए हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है प्रश्न से, प्रश्न में अंत से 20वां पद कह रहा है निकालने के लिए, यहां पे आप तथा लिख दीजिए। अब देखिए इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए अंत से 20वां पद बराबर, अब अंत से 20वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे एल का मतलब अंतिम पद, एन का मतलब जौनसवा पद हमें ज्ञात करना है, 20वां पद, 25वां पद, अंतिम से अगर 50वां पद बोल दे तो यहाँ एन की जगह हम लोग 50 दे देंगे, अगर 100वां पद क्या दे तो एन की जगह हम लोग कितना दे देंगे 100 दे देंगे, और माइनस वन इंटू डी, डी का मतलब क्या, सार्वांतर। तो यहाँ अगर हम देखें अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा कितना है 253 माइनस, यहाँ पे 20वां पद याद करना है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 माइनस 1, और डी की जगह कितना देंगे गुना 5 बराबर 253 माइनस 20 में से
एक घटा है तो 19 और 19 गुना 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 253 माइनस 19 को 5 से गुना करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। अब 253 में से हमको क्या करना है, 95 को घटा देना है, तो यहाँ पे हमारा घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 158। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 158 है वो इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद है। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः एपी का अंतिम से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। क्या लिखना है हम लोग को, अतः एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। यहां पे ये इसका क्या हो गया, पूरा हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 18 की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और दसवें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम तीन पद हमें क्या करने याद करने हैं। तो देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था प्रश्न संख्या 16, उसी तरह इसमें भी करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले मानेंगे मानस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर कितना हो जाएगा डी, ये चीज मान लेंगे। और प्रश्न में जो जो स्थिति दी गई है, पहली स्थिति है चौथे पद और आठवें पदों का योग 24, मतलब A4 प्लस A8 बराबर कितना हो जाएगा 24, इसको हल करके एक समीकरण बनाएंगे। और दूसरा स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला है, छठे और दसवें पदों का योग 44 है, मतलब A6 प्लस A10 बराबर कितना हो जाएगा 44। अब इससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 18 का हल। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर बी है, नीचे हमने मान लिया। अब प्रश्न में हम देखेंगे, प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, चूंकि A4 प्लस A8 मतलब चौथे और आठवें पदों का योग कितना है प्रश्न में दिया हुआ, 24 दिया हुआ। अब इससे हम समीकरण बनाएंगे, A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D प्लस, ये वाला प्लस उतार दिए, A8 का मतलब A प्लस 7D बराबर कितना है ये 24, ए और ए को जोड़ देंगे तो 2A प्लस 3D और 7D जुड़ेगा तो 10D बराबर कितना है हमारा यहां से 24। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, दो को कॉमन ले लेंगे बाई तरफ, तो यहां क्या मिलेगा, A प्लस 10D में से 2 कॉमन ले लिए तो यहां कितना बचा 5D। अगर आप सबको कॉमन लेना नहीं आता है तो देखिए करना क्या होता है, जैसे देखेंगे कि यहां पे 2 है और यहां 10 है, तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 और 10 दोनों आता है, तो वो 2 का पहाड़ा है, तो 2 इधर कॉमन ले लिए, तो कॉमन हम लेने का मतलब जो टर्म है दिया हुआ है, जो पद है हमारे पास उसमें से जिस संख्या को हमने कॉमन लिया उसको भागा लगा देना। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 2a में मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2a में 2 कॉमन लिया तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 कट गया तो कितना बचा a। इसी तरह मैंने यहां लिखा 10d और 10d में मैं कह रहा हूं कि मुझे 2 कॉमन चाहिए तो 2 से डिवाइड लगा देंगे, 2 से कट गया ये कितना बार, 5 बार, तो 5d। वैसे देखिए इस तरह से लिखना तो हल्का गलत है, अगर सही से इसको लिखना चाहें तो किस तरह से होगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई डी बटे 2 हो जाएगा, 10d का मतलब 10 मल्टीप्लाई डी बटे 2, 2 से कटा ये 5 बार, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई डी बराबर क्या होगा 5d। इसी तरह यहां पर भी होगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब जिस भी संख्या को हम कॉमन ले रहे हैं या जिस भी पद को हम कॉमन ले रहे हैं उसको दिए गए जो पद है उसमें से भाग लगा देना, काम बन गया। बराबर कितना हो जाएगा 24, तो 2 से ये कटेगा कितना बार, 12 बार, तो यहां हमें पहला समीकरण मिलेगा a प्लस 5d बराबर कितना है हमारा 12, और ये हमने मान लिया समीकरण 1। फिर लिखेंगे तथा
और प्रश्न में हमें दूसरी स्थिति दे रखी है कि छठे और दसवें पद का योग 44 है, तो छठे मतलब ए सिक्स प्लस दसवां मतलब ए दस बराबर कितना है 44। यहाँ ए सिक्स की जगह हम लोग लिखेंगे ए प्लस 5d प्लस ए दस की जगह लिखेंगे ए प्लस 9 बराबर कितना होगा ये 44। ए और ए जुट गया तो 2a प्लस 5d और 9d को जोड़ दिया तो कितना होगा यहाँ 14d बराबर कितना है 44। यहां पर भी दो को कॉमन लेके काट देंगे, दो कॉमन लिए यहाँ पे, यहां बच गया a प्लस यहां बच गया 7d बराबर ये कितना हो गया 44, और दो को इससे काट दिए कितना बार 22 बार, तो यहां मिलेगा a प्लस 7d बराबर कितना है 22, और ये हो गया हमारा समीकरण दो। तो देखिए हमारे पास दो समीकरण आ गया, समीकरण एक और दो। अब हम इसका प्रयोग करके a और d का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां पे हम विलोपन विधि लगा लेते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, क्या लिखा है यहां पे समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो यहां कर लेते हैं यही चीज, दो में से एक को घटाएंगे। समीकरण दो है हमारा क्या a प्लस 7d बराबर है 22, और एक है हमारा समीकरण a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। अब घटा दें तो इसका मतलब यहां पे इधर माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस दे दिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि घटाते समय हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो समीकरण है, मतलब जो हमने नीचे लिखा है, बाद में जो लिखा हुआ है समीकरण एक, मतलब जो हमने यहाँ नीचे लिखा है, उसमें जहां प्लस है वहां माइनस कर देना, और जहां माइनस है वहां प्लस कर देना। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, 7d में से 5d गया तो कितना बचा यहाँ 2d बराबर, 22 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 10, डी बराबर कितना जाएगा हमारा 10/2, ये दो गुना में था इधर आके भागा में चल गया, तो यहां लिखेंगे 10/2। अब दो से इसको काट देंगे कितना बार कटेगा ये 5 बार, तो यहां से हमें d का क्या मान प्राप्त हुआ, d बराबर कितना आया हमारा 5। अब इस d बराबर 5 के मान को या तो हम समीकरण एक या फिर समीकरण दो में रख के a का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां लिख देते हैं d बराबर 5 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है हमारा a प्लस 5d, 5d का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई d, और d की जगह हम लोग यहां रख देंगे 5 बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 12, a प्लस 5 गुना 5 25 बराबर कितना हो गया 12, और यहां से a बराबर आएगा 12 प्लस का 25 उधर गया तो माइनस का 25 बराबर, a बराबर कितना आएगा माइनस का 13। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, d बराबर 5 है और हमारा a जो कि प्रथम पद होता है उसका मान कितना है माइनस 13। अब हमें एपी ज्ञात करना है, एपी के कितने पद निकालने हैं, समांतर श्रेणी के तीन पद का आगे निकालने के लिए, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे इसलिए A1 बराबर कितना है A1 मतलब A, इसका मतलब क्या होगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो कि कितना है माइनस का 13, तो A1 बराबर माइनस का 13 हो गया। A2 बराबर कितना होगा A प्लस D, A की जगह माइनस का 13 प्लस D की जगह कितना लिखेंगे 5, माइनस का 13 प्लस का 5 यहाँ कितना देगा माइनस का 8, और A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A की जगह लिखेंगे माइनस का 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह 5 बराबर माइनस का 13 प्लस 10 यहां से कितना आएगा माइनस का 3। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब अतः जो हमारा एपी है उसका प्रथम पद कितना है माइनस का 13, दूसरा पद कितना है माइनस का 8, और तीसरा पद कितना है माइनस का 3, और इस तरह से यहाँ ये पढ़ता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 का पूरा हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुबा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। यह हमें क्या करना है, याद करना है कि वो किस वर्ष हुआ है। तो देखिए किस तरह से हम लोग इस सवाल करेंगे,
हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 19 का हल। देखिए 19 को हम किस तरह से हल करेंगे। हल करने से पहले मैं आपको एक सारणी बना के दिखाना चाहता हूं, और उस सारणी में ऊपर रहेगा वर्ष और नीचे रहेगा आय। इस तरह से ये सारणी बनेगी। अब देखिए इस सारणी में हम लोग लिखेंगे क्या। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ एक सुबह राव करके एक व्यक्ति है, और 1995 में उसका मासिक वेतन कितना है, 5000 है। तो वर्ष कितना हो गया 1995, और वेतन कितना हो गया, आय या वेतन 5000। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अभी वर्ष 1995 है, तो अगले वर्ष जो कि हो जाएगा 1996, उसमें 200 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5200। फिर इसी तरह हमारा अगला वर्ष आएगा और इसमें बढ़ के 5400 हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो रहा है, ये होता जा रहा है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपया दिया हुआ है कि किस वर्ष 7000 रुपया हो जाएगा, और ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एपी लिखने का प्रयास करेंगे। एपी जो कि समांतर श्रेणी होती है, वो हम किसका लिखेंगे, वर्ष का या आय का। तो हमें तो आय के बारे में पता है कि 5000 है, फिर 200 रुपए बढ़ रहा है, और पता नहीं किस वर्ष, लेकिन वो 7000 हो गया। तो यहां से अगर हम निकाल लेते हैं कि कितने पद है, तो कितने पद यहां पर, इसका मतलब क्या होगा कि वो कितने वर्ष बाद वैसी चीज हो रही है। तो यहां पर हम जो एपी लिखेंगे वो आय का लिखेंगे, वेतन का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ 5000, यहाँ 5200, यहाँ 5400, और इस तरह से आगे कहां तक बढ़ के गया, 7000 तक। अगर हमको पता चल जाए कि ये जो समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 7000 होगा, मतलब वो पद की संख्या में पता चल गई, उसको अगर हम इस वर्ष में जोड़ देते हैं, तो यहां से हमें तो वो वर्ष निकल जाएगा कि किस वर्ष हो रहा है। तो यहां पर देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहां हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, जिसको A1 कहते हैं, और वो होता क्या है, A मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद, कितना है हमारे यहाँ पे 5000 लिख दिया। अगर हम बात करें सार्वंतर की, इसको डिनोट करते हैं D से, बराबर क्या होता है A2 - A1, A2 की जगह 5200 माइनस A1 की जगह कितना होगा हमारे यहाँ 5000, 5200 में से 5000 गया तो कितना बचा 200। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि देखिए ये जो 7000 है वो हमें पता नहीं कि कौन सा पद है, अंतिम पद मान ले तो an, और सामान्य पद माने तब भी an। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि an बराबर कितना है 7000, और an का मतलब हम लोग जानते हैं a+n-1 × d होता है, तो a की जगह हम लोग लिख देते हैं 5000 प्लस एन माइनस वन। तो n तो हमें पता नहीं है कि n क्या है, तो n की जगह n माइनस वन इंटू डी की जगह हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 200, बराबर यहाँ कितना हो गया 7000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे n माइनस वन इंटू 200, ये जो 5000 था उसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ 7000 - 5000 हो गया। यहां से n माइनस वन मल्टीप्लाई 200 बराबर कितना मिलेगा हमें, 7000 में से 5000 गया तो 2000। अब देखिए हमें तो n का मान ज्ञात करना है, तो जो सब भी है इसके साथ उन सबको हम दाएं तरफ ले जाएंगे, तो पहले हम लोग किसको लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई को। ऐसे समझ लीजिए कि जो इसके साथ अलग से लगा हुआ, ये 200 है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर गया तो किसमें बदल गया, डिवाइड में, 00 से 00 कट गया, और 2 से 1 कट गया कितना बार हमारा 10 बार। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एन माइनस वन बराबर 10 इज इक्वल टू एन बराबर 10 + 1 बराबर कितना हो गया 11। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 7000 है वो हमारी समांतर श्रेणी का 11वां पद है। इसका मतलब पहला पद ये, और पहले पद की अगर हम बात करें तो वो किस वर्ष है 1995 में, फिर दूसरा पद 5200 वो देख रहे हैं तो 1996 में, मतलब यहाँ पर वर्ष में अगर हम जोड़ देते हैं पदों की संख्या तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि वो किस वर्ष हमारा 7000 रुपया हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे,
तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां एक लाइन लिख के खत्म करेंगे, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, लिखेंगे अतः 11 वर्ष में सुब्बा राव सात हजार का मासिक वेतन लेगा। ये इसका क्या हुआ, पूरा सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 20। देखिए अगर हम बात करें 20वें प्रश्न की तो क्या लिखा हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया, अगर हम पैसे में पढ़े तो 50 पैसा पड़ेंगे, नहीं तो 17.5 रुपया ही पड़ेंगे, 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि एनवे सप्ताह में उसकी मासिक सॉरी उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है तो एनवा पद ज्ञात करना है, मतलब एन ज्ञात करके हमें बताना है कितना होगा। देखिए किस तरह से हल करेंगे इसको, देखिए आप लोग देख रहे हैं 20वां प्रश्न का हल। यहां पर क्या एक रामकली है और वो किसी सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है, फिर उसके बाद से वो 17.5 रुपया प्रत्येक सप्ताह बचाती जाती है और किसी सप्ताह में उसका कितना रुपया हो जाता है, 207.5 रुपया उसका बचत हो जाता है, तो हमें बताना है कि वो कितने सप्ताह में हुआ है, एन याद करना है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां अगर हम उसके पहले साप्ताहिक बचत जो कि 50 रुपया उसको ए मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है हमारा 50 है, 50 लिख लीजिए या फिर 50 रुपया लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रत्येक सप्ताह वो कितना बचाती जा रही है कि 17.5 रुपया बढ़ाती गई, जितनी उसकी अभी बचत हुई फिर आगे 17.5 रुपया बढ़ाई, फिर उसके अगले सप्ताह वो बढ़ाती गई, फिर ऐसे ऐसे करते बढ़ाती जा रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो हम डी बराबर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17.5, और किसी सप्ताह में उसका 207.5 रुपया क्या हो गया, हो गया, तो किसी सप्ताह में हुआ है तो हम यहाँ पे एन कर देते हैं, या फिर आप यहां लिख लीजिए या तो इसी चीज को नीचे लिख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे यहां लिखेंगे चूंकि एन बराबर कितना है 207.5 रुपया है और हमें एन ज्ञात करना है, तो यहां पर एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 207.5 हो गया। ए की जगह हम लोग लिखेंगे 50 प्लस एन पता नहीं माइनस वन इंटू डी की जगह हम लोग लिखेंगे 17.5 बराबर कितना हुआ 207.5, एन का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे एन माइनस वन गुना 17.5, ये प्लस 50 उधर गया तो माइनस 50 बदलेगा, तो यहाँ 207.5 माइनस 50, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 17.5 बराबर 207.5, में से हमें क्या करना है 50 को घटाना, तो इसमें से 207 में से जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 157 मिलेगा और फिर 1.5 हम लगा देंगे इसी तरह, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे n माइनस वन बराबर ये 17.5 जो है वो गुना में है तो उधर जाके किसे बदल जाएगा, भागा में बदल जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे 157.5 भागा 17.5, इस पॉइंट कोड़ा है यहाँ 0 लगा दिया, इस पॉइंट कोड़ा है यहाँ 0 लगा दिया, 0 से 0 काट दिए, अब ये 175 से डायरेक्ट कट जाएगा 9 बार में, अगर नहीं आता तो आप 5 से काट सकते हैं ऊपर नीचे, यहां 9 से कट रहा था मैंने 9 बार में काट दिया, तो यहां से n माइनस वन बराबर कितना आएगा 9, n बराबर कितना मिलेगा
माइनस का वन उधर गया तो प्लस का वन, नौ प्लस वन बराबर कितना हो गया दस। अब एन बराबर दस आया तो इसका मतलब अतः दसवें सप्ताह में रामकली की बचत कितनी हो जाएगी 207.5 रुपये हो जाएगी। हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः दसवें सप्ताह में रामकली की बचत दो सौ सात दशमलव पांच रुपया हो जाएगी। यहां पे इस प्रश्न में क्या हो गया, ये पूरा हल हो गया। यहां पर हमारा प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो एक वीडियो ओपन होगी और उस वीडियो पर वीडियो में बताया गया कि किस तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।